6 दिसंबर 1992 दोपहर 1:40 पर बाबरी मस्जिद का पहला गुंबद गिराया जा चुका था। इसके 20 मिनट बाद का समय दोपहर तकरीबन 2 बजे तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव का फोन घनघनाता है। फोन पर दूसरी तरफ थे केंद्रीय मंत्री और कद्दावर कांग्रेस नेता माखनलाल फोतेदार। फोतेदार ने नरसिम्हा राव से कहा, राव साहब कुछ तो कीजिए, क्या हम फैजाबाद में तैनात वायुसेना के चेतक हेलीकॉप्टरों से कार सेवकों पर आंसू गैस के गोले नहीं दगवा सकते हैं? जवाब में नरसिम्हा राव ने सवाल किया, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? फोतेदार ने विनती के स्वर में राव से कहा, राव साहब कम से कम एक गुंबद तो बचा लीजिए ताकि बाद में हम उसे एक शीशे के केबिन में रख सके और भारत के लोगों को बता सके कि बाबरी मस्जिद को बचाने की हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। माखनलाल फोतेदार अपनी आत्मकथा द चिनार लीव्स में लिखते हैं कि उनके इस सुझाव के जवाब में प्रधानमंत्री चुप रहे। लंबे ठहराव के बाद उन्होंने बुझी हुई आवाज में कहा, फोतेदार जी मैं थोड़ी देर में आपको फोन करता हूँ। फोतेदार प्रधानमंत्री के रुख से काफी खफा थे। उन्होंने राष्ट्रपति से मुलाकात का समय मांगा। उन्हें शाम को 5:30 का वक्त दिया गया। राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा से मिलने के लिए फोतेदार अपने घर से निकल ही रहे थे कि उनके पास नरसिम्हा राव का फोन आया। राव ने फोतेदार को बताया कि शाम को 6 बजे कैबिनेट की मीटिंग रखी गई है। इसके बावजूद फोतेदार ने राष्ट्रपति से मिलने का फैसला किया। फोतेदार अपनी आत्मकथा द चिनार लीव्स में लिखते हैं, जब मैं वहां पहुंचा तो उन्होंने मुझे देखकर बच्चों की तरह रोना शुरू कर दिया। बोले, पीवी ने ये क्या किया है? मैंने राष्ट्रपति से कहा कि वो देश को टेलीविजन और रेडियो पर संबोधित करें। वो इसके लिए राजी भी हो गए, मगर फिर उनके सूचना अधिकारी ने बताया कि ऐसा करने के लिए उन्हें प्रधानमंत्री से अनुमति लेनी होगी और मुझे बहुत शक है कि वो इसकी अनुमति देंगे। राष्ट्रपति से मिलने की वजह से फोतेदार कैबिनेट की बैठक में 20 मिनट की देरी से पहुंचे। जब फोतेदार वहां पहुंचे तो मीटिंग में सन्नाटा छाया हुआ था। फोतेदार ने सन्नाटे पर सवाल किया तो माधवराव सिंधिया ने जवाब दिया, फोतेदार साहब क्या आपको पता नहीं कि बाबरी मस्जिद गिरा दी गई है? फोतेदार ने नरसिम्हा राव की तरफ देखते हुए पूछा, राव साहब क्या ये सही बात है? नरसिम्हा राव इसके बाद फोतेदार से आंख मिलाने से बचते रहे। ठीक इसी समय फोतेदार कैबिनेट की बैठक में फूट फूट कर रोने लगे। सवाल उठता है कि बाबरी मस्जिद को लेकर राव के दिमाग में क्या राजनीति थी? बाबरी मस्जिद के ढांचे गिरने के साथ ही राव पर आरोपों की झड़ी लग गई। कैबिनेट के उनके साथी और मीडिया दोनों राव पर हमलावर थे। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर आर्ट्स के निदेशक और कभी जनसत्ता के पत्रकार रहे राम बहादुर राय बाबरी मस्जिद को गिराए जाने के कुछ दिन बाद राव के साथ हुई एक मुलाकात का जिक्र करते हैं। राय बताते हैं कि बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद 3 बड़े पत्रकार नरसिम्हा राव से मिलने के लिए पहुंचे। पत्रकार थे प्रभात जोशी, निखिल चक्रवर्ती और आर के मिश्र। राम बहादुर राय को भी इस मुलाकात में जाने का मौका मिला। जब इन पत्रकारों ने राव से पूछा कि उन्होंने मस्जिद क्यों गिराई जाने दी तो इस पर राव का जवाब था, आपको क्या लगता है कि मुझे राजनीति नहीं आती? बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में राम बहादुर राय ने इस बात का जिक्र करते हुए कहा था, इस बात का मैं ये मतलब निकालता हूं कि नरसिम्हा राव ने अपनी राजनीति और इस रणनीति से बाबरी मस्जिद ढाई जाने दी कि ऐसा होने पर बीजेपी की मंदिर की राजनीति हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। उन्होंने इसे रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। मेरा मानना है कि राव ने किसी गलत फहमी में नहीं और ना ही बीजेपी से साठ गांठ के कारण, बल्कि ये सोच कर कि बीजेपी से ये मुद्दा छीना जा सकता है, ये सब किया। उन्होंने एक एक कदम इस तरह से उठाया कि बाबरी मस्जिद का ध्वंस हो जाए। राव की भूमिका पर सबसे गंभीर आरोप लगाए वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर ने। कुलदीप नैयर ने अपनी आत्मकथा बियॉन्ड द लाइंस में लिखा है, मुझे जानकारी है कि बाबरी मस्जिद विध्वंस में राव की भूमिका थी। जब कार सेवक मस्जिद को गिरा रहे थे तब वो अपने निवास पर पूजा में बैठे हुए थे। वो वहां से तभी उठे जब मस्जिद का आखिरी पत्थर हटा दिया गया। कुलदीप नैयर का ये दावा लंबे समय तक राजनीतिक चकल्लस का हिस्सा रहा। नरसिम्हा राव बाबरी मस्जिद के मुजरिम के तौर पर पेश किए जाने लगे, मगर नरसिम्हा राव की बहुत चर्चित जीवनी हाफ लॉयन लिखने वाले विनय सीतापति नैयर के दावे को सिरे से खारिज करते हैं। अपनी किताब में वो लिखते हैं कि नैयर के दावे का आधार मशहूर समाजवादी नेता मधु लिमे का बयान था। मधु लिमे ने प्रधानमंत्री कार्यालय में मौजूद अपने एक सूत्र के हवाले से ये जानकारी देते हुए कुलदीप नैयर को ऐसा बताया था कि 6 दिसंबर 1992 को राव पूरे दिन पूजा पर बैठे हुए थे। सीतापति अपनी किताब में इस दावे को राव के खिलाफ रची जा रही साजिश का हिस्सा करार देते हैं। वो लिखते हैं कि नवंबर 1992 में 2 विध्वंसों की योजना बनाई गई थी, एक बाबरी मस्जिद की, दूसरी नरसिम्हा राव की। एक तरफ संघ परिवार बाबरी मस्जिद गिराना चाह रहा था, दूसरी तरफ कांग्रेस में राव के प्रतिद्वंदी नरसिम्हा राव को।
राव को पता था कि बाबरी मस्जिद गिरे या ना गिरे, उनके विरोधी उन्हें जरूर प्रधानमंत्री आवास से बाहर देखना चाहते थे। विनय सीतापति दावा करते हैं कि उस दिन नरसिम्हा राव गृह सचिव माधव गोडबोले और नरेश चंद्रा के संपर्क में थे और एक एक मिनट की सूचना ले रहे थे। विनय सीतापति के अलावा कुलदीप नैयर के दावे को एक और शख्स ने खारिज किया। नरसिम्हा राव के निजी डॉक्टर थे श्रीनाथ रेड्डी। रेड्डी उस दिन सुबह से ही नरसिम्हा राव का रूटीन चेकअप करके लौटे थे। दोपहर में घर लौटकर उन्होंने टेलीविजन खोला तो देखा कि हजारों कार सेवक बाबरी मस्जिद के गुंबद पर चढ़े हुए थे। डॉक्टर रेड्डी के कान खड़े हो गए। नरसिम्हा राव दिल के मरीज थे। 1990 में उनके दिल का ऑपरेशन भी हुआ था। 6 दिसंबर इतवार का दिन था और नरसिम्हा राव अपने घर पर ही थे। डॉक्टर रेड्डी भागते हुए 7 RCR पहुंचे। तब तक बाबरी का तीसरा और आखिरी गुंबद गिराया जा चुका था। बीबीसी को दिए अपने इंटरव्यू में डॉक्टर श्रीनाथ रेड्डी बताते हैं, राव ने मुझे देखकर गुस्से में पूछा, आप फिर क्यों चले आए? मैंने कहा, मुझे आपकी फिर जांच करनी है। ये कहकर मैं उनको बगल के छोटे कमरे में ले आया। जैसा कि मुझे अंदेशा था, उनके दिल की धड़कनें तेज हो गई थी, उनकी नाड़ी भी तेज चल रही थी, उनका ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ था, उनका चेहरा लाल हो गया था और वो काफी उत्तेजित दिखाई दे रहे थे। मैंने उनको बीटा ब्लॉकर की अतिरिक्त डोज दी और वहां से तभी हटा जब वो थोड़े बेहतर दिखाई देने लगे। उनके शरीर की जांच से ये नहीं लगा कि उनकी इस ट्रेजेडी में कोई सांठगांठ थी। द बॉडी डज नॉट लाई। नरसिम्हा राव की बाबरी मस्जिद तोड़े जाने में कोई सीधी भूमिका नहीं थी, लेकिन वो स्थितियों को भांपने में पूरी तरह से नाकामयाब रहे थे। एक प्रधानमंत्री के तौर पर वो फेल रहे थे। और अब 30 सितंबर 2020 को बाबरी विध्वंस मामले में लखनऊ की स्पेशल CBI अदालत ने फैसला सुना दिया है। जज SK यादव ने कहा कि घटना पूर्व नियोजित नहीं थी, जो कुछ हुआ था अचानक हुआ था, और ये कहते हुए कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। आप देख रहे हैं दी ललन टॉक।